সেই আমার नमस्कार। रियाज के एपिसोड सेकंड पुष्पेंदु के खूबसूरत गाने के साथ शुरुआत हुई है। आज मैं कथक नृत्य में छोटी छोटी अंग प्रत्यंग उपंग के बारे में बताएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग भूमिका पालन करते हैं कथक नृत्य में। जब आप अभिनय दिखाते हैं या कवित दर्शाते हैं, ये ठाट दिखाते हैं, तो ये सब आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले आते हैं अंग में। अंग क्या होती है? अंग पंच तत्व से मिला हुआ एक शरीर ही तो है। अंग नृत्य में जैसे सिर, आपके दोनों हाथें, बक्षस्थल, पार्श्व, कमर और दोनों पाओ की भूमिका अदा करते हैं। मूलत छह प्रकार के होते हैं। इसकी सही तरीके से संचालन, सही तरीके से इनकी बनावटी दिखाना ही अभिनय का एक पार्ट है। अब आते हैं प्रत्यंग में। मनुष्य के प्रत्यंग वो होते जो आसानी से मुड़ते हैं, जैसे कलाइयां, गर्दन, बाहें, पीठ, जंघा या पुष्टिका। और प्रत्यंग आपकी मुखमंडल में ही प्रत्यंग उपस्थित है। आंखें, नाशिका, भ्रो, नेत्र के पुतलियां, पलके, होंठ और आपके जबड़ा, जॉज, दैट मीन्स आपकी पूरी मुख, ऐसे 12 प्रकार के उपांग है। तो सभी की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कथक नृत्य में। आपकी ठाट के समय आपकी आईब्रोज, आपकी आंखें बात करना चाहिए, आपकी आंखों की पुतलियां बात करना चाहिए। आप शर्माते हैं तो आपकी आंखें झुकी होनी चाहिए। ये सब कुछ उपांग के अंदर आती है और इन सब की रियाज भी, प्रैक्टिस भी आपका करना जरूरी है। इसीलिए शुरू से ही बोला जाता है छोटे बच्चों को मिरर के सामने या आईना के सामने खड़े होके भाव या अभिनय को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अपने आप को देखिए
कि आपकी आंखें, आपकी जो वर्ड्स दिया गया है, चाहे वो कवित की है, चाहे वो ठाट की है, चाहे वो ठुमरी की है या गजल की है, वो लिरिक्स, वो भाषाएं व्यक्त कर पा रहे कि नहीं। आप गुस्सा हो रहे तो आपकी आंखें क्रूरता के साथ आना चाहिए। आप अगर भयभीत हो रहे तो भय दिखना चाहिए। अगर आप शर्मा रहे तो शर्माना दिखना चाहिए। अगर आप लाश दिखा रहे तो दिखाना चाहिए। घूंघट, वो भी आपकी उपांग की सही संचालन के द्वारा ही आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करते हैं।